नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक नॉलेज चैनल में। आज मैं आपको एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ये नुस्खा स्किन की एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने में एक रामबाण इलाज है। हमारे आसपास के वातावरण से कभी कभी त्वचा पर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि हमारी त्वचा पर दाने, रैशेस या फिर रेडनेस आ जाती है। कभी कभी तो जलन और खुजली भी होती है। अगर ऐसी कोई समस्या से कभी आपका सामना हो तो चिड़चिड़ या घबराए नहीं, तुरंत अपने घर के आंगन से तुलसी के पौधों से उसके पत्ते तोड़ लाएं और घर के पूजा मंदिर से भस्म या फिर विभूति ले लें। अपने हाथों में भस्म को ऐसे रखें और कुछ तुलसी के पत्ते लें धोकर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहें जब तक तुलसी का जो रस है वो भस्म से अच्छे से मिल ना जाए। आप चाहें तो इसमें एक या दो बूंद पानी डाल सकते हैं जल्दी से मिक्स होने के लिए। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही आपको क्रश करके दिखाऊंगी। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, तो आप बेझिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने तुलसी को अच्छे से क्रश कर दिया है और इसका जो रस है वो निकल कर भस्म में अच्छे से मिल गया है। अभी जहाँ पर भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, जैसे कि अभी सपोज़ मुझे यहाँ पर हुआ है एलर्जिक रिएक्शन, इधर मुझे जलन हो रही है या फिर खुजली, तो फिर मैं इस जो हमने ये मिश्रण बनाया है इसे हम थोड़ा सा ऐसे लेंगे और ऐसे जहाँ पर हुआ है इसे वहाँ पर लगा देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपको आराम मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो खलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी कि कैसे तुलसी और भस्म से स्किन की एलर्जिक रिएक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।